परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आप सब गीता प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज तक हमने 6 अध्याय का विवरण कर लिया है। आज से गीता का एक दूसरा प्रकरण शुरू हो जाता है। ऐसे कहते हैं कि गीता 3 भागों में बटी हुई है। पहले 6 अध्याय जो है कहते हैं कि वो कर्मयोग है, क्योंकि उसमें कर्मयोग की बातें ज्यादा आती हैं। दूसरे 6 अध्याय जो है 6वें से लेकर 12वें तक वो भक्ति योग है और 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक जो चर्चा हुई है वो कहते हैं कि ज्ञान योग है। तो आज हमने 1/3 या 1/3 भाग गीता का पूरा किया है और आज से हम चलते हैं भक्ति योग में कि जो गीता का हमारे तरफ से जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हम 12वें अध्याय का पाठ जो हमेशा करते हैं कि जो भक्ति योग है जो गीता का हृदय है भक्ति योग का भी हृदय जो 12वां अध्याय है। तो इसी से 7वें अध्याय से ये श्रद्धा की भक्ति की बात शुरू होती है। इसमें खासियत तो ये है कि अब तक जो 6 अध्याय हुए हैं उसमें अर्जुन ने कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा है, लेकिन 7वां अध्याय भगवान स्वतः ही शुरू कर देते हैं। ऐसा तभी होता है जब भगवान को भक्त बहुत प्यारा लगता है, किसी के लिए अपने मन में जब बहुत प्यार आता है तब हम बिना पूछे ही उनको बस उपदेश देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह भगवान को अर्जुन पे बहुत प्यार आया था, क्योंकि भगवान को अभी ये समझ में आया है कि अर्जुन अभी भक्ति की तरह झुक रहा है, कर्मयोग की बातें उसमें उसने सुन ली है, लेकिन जब तक कर्मयोग भी भक्ति योग में नहीं बदलता है तब तक वो बातें अर्जुन के समझ में नहीं आएगी। तो भगवान अभी समझाने चलते हैं अर्जुन को कि अभी भक्ति क्या होती है। यहाँ से जो भक्ति योग शुरू होता है तो भगवान का प्यार इस तरह से उमड़ आता है कि एक एक अध्याय आप देखते जाओ तो भगवान का प्यार बढ़ते जाता है और भक्ति की बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें आती है। तो 7वें अध्याय में पूरे कुल मिलके 30 श्लोक है और मैंने जैसे कहा कि ये भक्ति का अध्याय जो है 7वें अध्याय से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि कल हमने सुना है कि 6वें अध्याय में भगवान ने एक बहुत बात बड़ी बात अर्जुन को बताई और वो क्या थी, तपस्विभ्योदिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोदिक कर्मिभ्यश्चादिको योगी तस्मा योगी भवाजन, कि अर्जुन तू योगी बन। आज तक जहाँ पर योगी शब्द अब तक गीता में जो आया है वो कर्मयोग के बारे में आया है। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि तू योगी बन। गुरुदेव ने हमें एक बार कहा था, बताया था कि योगी कैसे और कितने होते हैं। एक होता है योगी, दूसरा होता है योगी राज, तीसरा होता है योगेश्वर जो भगवान शंकर है, और चौथा होता है योगेश्वर जो योगों के ईश्वर है, और योगेश्वर जो है जो योगी होते हैं उनके ईश्वर होते हैं। फिर भगवान 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं कि बस खाली योगी बनना बस नहीं है, इसके लिए और भी एक बात बताते हैं कि तेरे में श्रद्धा रहनी चाहिए। और इससे 6वां अध्याय भगवान पूरा करते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत तेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मुझे भजेगा तू चाहे योगी भी बन, ऐसा योगी जो श्रद्धा से मुझे भजेगा ऐसा योगी तू बन। इस तरह से कर्मयोग की समाप्ति होती है और यहाँ से भगवान उठा लेते हैं भक्ति योग को और इसका इसकी शुरुआत हो जाती है। भगवान कहते चले जाते हैं, क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं इसमें क्या दिया है कि ईश्वर के समग्र रूप का वर्णन दिया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के तत्व क्या है। फिर इसके बाद ये भी बताया है कि माया क्या है और इससे हम कैसे तर जाते हैं, हम ईश्वर तक कैसे पहुंच जाते हैं। और आगे चल के फिर भगवान ऐसे भी बताते हैं कि हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्योंकि 6वें अध्याय में जो ध्यान योग की बात भगवान ने छेड़ी थी, भगवान ने तो बताया कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान करें किसका, किसका हम किस बात का ध्यान करें। भगवान ने अर्जुन को बताया कि तू ध्यान कर, तेरा आसन ऐसा रहना चाहिए, तू इस तरह से बैठना चाहिए, आंखें तुझे ऐसी झुकानी चाहिए और दोनों भुवों के बीच में दृष्टि रखनी चाहिए, लेकिन आगे क्या कर, ध्यान किसका कर, ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आती। तो भगवान इसमें बताते हैं कि ध्यान किसका चाहिए करना चाहिए और फिर वो ध्यान कैसा करना चाहिए। तो ये ईश्वर की जो बातें हैं सब इसमें भगवान बताते हैं। तो अभी पहले श्लोक से भगवान शुरू करते हैं कि कैसे भगवान कहते हैं कि अनन्य प्रेम से
जो मुझे भजता है, कैसे मेरे में जो आसक्त होता है। अब तक भगवान बताते थे कि तू आसक्ति छोड़, आसक्ति छोड़, आसक्ति छोड़, और अब बताते हैं कि तू आसक्त हो जा, लेकिन किस में आसक्त हो जा, मुझ में आसक्त हो जा, और कहते हैं कि तू मेरा ही आश्रय ले। जो मेरा ही आश्रय लेता है और मेरे में आसक्ति रखता है तो उससे क्या होता है, तो भगवान के रूप को वो समग्र रूप से वो जान सकता है, और यही ज्ञान है। जो भगवान के रूप को, भगवान को तत्व से जो जान ले, बस वही भगवान कहते हैं कि ज्ञान है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को फिर आश्वासन देते हैं कि मैं जो ये ऐसा ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सहित जो ज्ञान है, इसको मैं तुझे ऐसे बताऊंगा कि जो जानने के बाद इस पूरे जगत में जानने ऐसी लायक कोई चीज रहेगी ही नहीं। ऐसा कौन सा ज्ञान होता है, चाहे हम मेडिसिन पढ़ ले, इंजीनियरिंग पढ़ ले, लॉ पढ़ ले, फिर भी जानने लायक बात कुछ न कुछ होती है, क्योंकि हम अगर मेडिसिन पढ़ो तो लॉ की बात हमें पता नहीं होती है, लॉ पढ़ो तो इंजीनियरिंग की बातें पता नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं लेकिन मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि ये बात जानने के बाद तुझे कोई भी बात इस पूरे जगत में जानने लायक रहेगी ही नहीं। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे किनको होता है, फिर पूरे संसार में तुझे जानने लायक शेष नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे मनुष्य कि जिनको ऐसी इच्छा होती है कि हाँ ऐसी बात मुझे जाननी है, तो ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु, सहस्त्रों में एक आधी मनुष्य ऐसा निकलता है कि जो सोचता है कि हाँ मुझे ऐसी बात जाननी है, मुझे जानना है कि भगवान है क्या, मुझे ऐसी भक्ति करनी है, तो कहते हैं कि और वो ऐसे जो जानने जाते हैं उसको भगवान यहाँ सिद्ध कहा है, और ऐसे सिद्धों में ऐसा ही एकाध होता है कि जो मुझे समग्र रूप से जान लेता है या जान सकता है। इसके बाद भगवान अभी बताते हैं कि मेरा रूप क्या है, तू सुन। इसमें ईश्वर का रूप और स्वरूप का वर्णन किया है कि ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है, तो आगे भगवान 3-4 श्लोक में बताते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। क्या है ये 8 प्रकृति के, अष्टदा प्रकृति जिसे कहते हैं, ये 8 रूप जो है भगवान इसे बताए हैं, कौन से, भूमि मतलब पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश, और फिर इसमें और 3 मिलाए हैं, अहंकार, मन और बुद्धि। ये इसको भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति है, लेकिन ये कौन सी प्रकृति है, भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरी 2 तरह की होती है, इसे अपरा प्रकृति कहते हैं या इसे जड़ प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, अपनी खुद की चेतना नहीं होती है। जब तक भगवान की इससे भी बड़ी जो एक प्रकृति होती है उसे कहते हैं परा प्रकृति, वो परा प्रकृति जो चेतन है उसे जीव भी कहते हैं। तो वो परा प्रकृति जब तक ये अपरा प्रकृति से जुड़ नहीं जाती है तब तक कहते हैं कि समग्र रूप से किसी का दर्शन हो नहीं सकता। एक प्रकृति के साथ ये चेतन का मिलना, ये संयोग होना बहुत जरूरी है। तो ये परा और अपरा ये 2 तरह की प्रकृति होती है, और भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरी प्रकृति है, और हमें इस ईश्वर में, इस जगत में हम जो देखते हैं सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि वो सब क्या है, ये परा और अपरा प्रकृति का संयोग हुआ होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो इससे भी श्रेष्ठ हूँ, ये तो मेरी प्रकृति है, ये मेरे जैसे कि नौकर है, मैंने इन्हें बनाया है, लेकिन इससे श्रेष्ठ मैं हूँ जो मैं अविनाशी हूँ, अव्यक्त हूँ, अचिंत्य हूँ। भगवान ने पहले भी इसका बार बार वर्णन किया हुआ है, और फिर भगवान कहते हैं कि मैं इसका उद्भव करने वाला हूँ, इसीलिए ये पूरा जगत जो बनाया हुआ है उसका प्रभाव, उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश, ये दोनों भी मैं ही करता हूँ। लेकिन ये सारे लोग जानते नहीं है इस बात को, क्योंकि ये सब लोग हैं कि मूढ़ है, और कैसे होता है, इसलिए भगवान बताते हैं कि ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। हम इस जगत में जो भी कुछ देखते हैं, कहते हैं भगवान की जैसे मणियों की तरह ये पूरा जगत गुंफा हुआ है, लेकिन ये जो मणि है वो सूत्र के बिना बेकार है, तो ये मणियों में जो सूत्र गुंफा हुआ है वो मैं हूँ। अगर ये सूत्र ना होता तो हम ये जगत देख नहीं सकते, अगर खाली सूत्र होता और मणि नहीं होते तो भी हम देख नहीं सकते, तो ये सूत्र का होना बहुत जरूरी है और मणियों का होना भी जरूरी है। तो ये जब दोनों एक में मिल जाते हैं तो भगवान इसमें कहते हैं कि मणि भी सूत्र के बने हुए हैं और सूत्र भी सूत्र तो सूत्र ही है, इसे एक दूसरे में गुफे हुए हैं, कि इससे हम मोहित हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें सूत्र कौन सा है और मणि कौन सा है, और हम इससे मोहित हो जाते हैं कि जग कैसे बना है ये, लेकिन ये पूरा जग ऐसा गुंथा हुआ है कि जैसे मणियों की तरह, जैसे पूरे कहते हैं ये जगत जो बना हुआ है, ये विश्व मोहिनी माया ने ये पूरे जगत की उत्पत्ति की है, जैसे कि कहते हैं कि भगवान ने अपने में ये माला पहनी है,
ये जगत की माया रूपी माला जो है भगवान ने अपने शरीर पे पहनी हुई है, तो ये भी एक इसका वर्णन किया गया है। इसके आगे फिर भगवान बताते हैं, जैसे कि 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन आया है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें भी भगवान ने 15 विभूतियों के तत्व बताए गए हैं। वहां पे जैसे कि मैं इसमें पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, इस तरह से जब अलग अलग बताए हैं तो वो स्थूल रूप से बताया गया है, और यहाँ से भगवान, यहाँ पर भगवान तत्व रूप से बताते हैं। कैसे भगवान बताते हैं कि रसो हमक्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द के पौरुषम दुषु। जैसे ये पंच तत्व है, आकाश का जो है शब्द जो है मैं हूँ, और फिर कहते हैं कि जल में रस मैं हूँ, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश जो है मैं हूँ, इस तरह जो पंच महाभूत जो बने हुए हैं उसका जो तत्व है वो मैं ही हूँ। जैसे कि फूल हो तो इसमें भगवान कैसे देखा जाए, अगर फूल जब हम सूंघते हैं तो वो जो उसमें जो सुगंध आती है वही भगवान है। हम कुछ सूर्य में प्रकाश देखते हैं तो वही भगवान है। जो इसमें हर एक इसमें जो हम ये तत्व देखते हैं वो दूसरा और कुछ नहीं है, वो भगवान ही है, भगवान की चेतना ही है, भगवान का प्रकाश ही है। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि इसमें भगवान ने 15 दिए हैं कि बलवानों का बल मैं हूँ। फिर कहते हैं कि काम राग विवर्जितम, काम जो है धर्मा विरुद्ध कामोस्मि, धर्म के विरुद्ध जो काम है वो भी मैं हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन ये बने कैसे हैं, फिर भगवान यहाँ से माया का वर्णन शुरू कर देते हैं। पहले बताते हैं कि मैं कैसे हूँ इस जगत में तत्व रूप से, अब कहते हैं कि अब मेरी माया देखो कैसी है। तो ये माया के रूप में फिर भगवान बताते हैं कि ये जब सारा जग हमें दिखता है ये मेरी गुणमयी माया है। सत्व रज और तम, ये जो तीन गुण है इससे ये पूरा जगत बना हुआ है, और इसीलिए पूरे लोग मोहित हो रहे हैं, क्योंकि इससे पूरा ज्ञान आवरण हुआ है और इससे अज्ञान से जो ढका गया है, तो इसलिए कि ये पूरा जो खेल हमको दिखता है वो गुणों के बगैर कुछ नहीं है। सत्व रज और तम, जैसे कि पंच महाभूत भी बने हैं उसमें भी ये गुण है, सत्व है, रज है, तम है, तन्मात्रा है, उसमें भी ये तीन है। आगे चल के आगे के अध्याय में आते हैं एक एक करके कि किसका सत्व गुण क्या है, किसका रज गुण क्या है और किसका तमोगुण क्या है। ऐसे कहते हैं कि ये जो प्रकृति जो होती है, कहते हैं कि त्रिभिर गुणमयी भावै रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परमव्यम्। भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी त्रिगुणमयी प्रकृति है इससे जो सब मोहित हो रहे हैं, ये प्रकृति जो है कहते हैं कि ये पहले तो गुणों से बनी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं कि दैवी गुणमयी माया। दैवी इसलिए कहा गया है कि उसमें शक्ति है, शक्ति तो भगवान की है लेकिन माया में भगवान ने अपनी शक्ति डाली है, इसीलिए उसे दैवी कहा है। और गुणमयी इसलिए कहा है कि उसमें तीनों गुण है। ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं वो जब साम्यावस्था में आ जाते हैं, इक्वल इसमें बैलेंस में आ जाते हैं तो उसे प्रकृति कहते हैं, उसे ही मूल प्रकृति होती है, उसे ही मूल प्रकृति कहते हैं। इसे आदिशक्ति भी कहते हैं, इसको महामाया भी कहते हैं। लेकिन इसमें जब इसमें थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, थोड़ा सत्वगुण ऊपर और नीचे या तमोगुण ऊपर नीचे हो जाता है, तो तब प्रकृति में विकृति आ जाती है। जैसे ही प्रकृति में विकृति आ जाती है तो फिर अनेक इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये जगत की उत्पत्ति पूरी इस तरह से हुई है कि बस ये गुणों का खेल है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, किसी में कुछ थोड़ा ज्यादा और किसी में कुछ थोड़ा कम, लेकिन है तो बस सब गुणों का ही खेल। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी दैवी और गुणमयी जो माया है इससे जाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये माया इतनी शक्तिवान है, इसमें इतनी शक्ति है कि मूढ़ लोग जो अज्ञान में मोहित हुए हैं इससे पार करना बहुत कठिन होता है। और इससे पार करने का उपाय एक ही है कि बस मेरी शरण आ जाओ। जो मेरी शरण आता है, जो मुझे जानता है, जो मेरे तत्व को जानता है, वही इस दुरत्यया माया कहते हैं भगवान, इस माया से पार हो सकते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि लेकिन जो मूढ़ लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग कौन होते हैं, कि भगवान ने यहाँ पे ये श्लोक में बहुत अच्छा बताया है कि मूढ़ लोग कौन होते हैं। मूढ़ को भगवान ने कहा है कि जो आसुर भाव का आश्रित लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी है, और अज्ञानी है इसलिए उनको कहा है कि वो नराधम है। नराधम मीन्स मनुष्यों में अधम, बिल्कुल नीच है, वो नराधम है। ऐसे नराधम, और वो फिर वो क्या करते हैं कि दुष्कृत करते हैं। दुष्कृत मीन्स बुरे काम करते हैं, पाप करते हैं। तो ऐसे ये लोग करते हैं क्योंकि इन्होंने आसुर का आश्रय लिया है। फिर अभी ये लोग तो ऐसे कि जो गुणमयी प्रकृति में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भक्त होते हैं। कि भगवान ने यहाँ पे बहुत सुंदर व्याख्या की है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नौर जना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत शब। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे चार तरह के होते हैं।
जो मुझे भजना कोई भजना चाहते हैं कोई भजते हैं। इसमें पहला भक्त भगवान ने बताया है, इस एक ही श्लोक की बड़ी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। गुरुदेव भी इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। अभी तो हमारे पास इतना समय है नहीं, तो बस थोड़े में बता देते हैं कि आरती भक्त जो होता है कि जब मनुष्य पे कोई दुख आता है कोई संकट आता है तो पहली बार हम भगवान को पुकारते हैं, तो वो आरती। इसीलिए भगवान ने इसको बिल्कुल पहले श्रेणी का बताया हुआ है, सबसे नीचे की श्रेणी का बताया हुआ है, क्योंकि जब दुख निकल जाता है तो हम इजीली भगवान को भूल जाते हैं, भगवान तब याद नहीं आते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं चलो ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है तुम दुख में तो मुझे याद करते हो और मेरे भक्त हो, तू आरती तो हो लेकिन फिर भी मेरे भक्त हो। इसके आगे चल के दूसरा भक्त भगवान बताते हैं कि कहते हैं कि वो जिज्ञासु है कि मैं देखूं तो कि ये भगवान है क्या। लेकिन जिज्ञासु में होता क्या है कि इतनी श्रद्धा नहीं होती है, वो देखना चाहता है, उसको प्रूफ लगता है कि मैं देखता हूँ, अभ्यास करता है और फिर उसका विवेचन करते रहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं फिर भी वो भी मेरा भक्त है, क्योंकि वो एटलीस्ट मेरा भजन तो करता है, मेरा चिंतन तो करता है, चाहे किसी भाव से हो। फिर तीसरा भक्त भगवान बताते हैं कि अर्थार्थी, इसमें ये बहुत बड़ी बात है कि अर्थार्थी भक्त को जिज्ञासु और आर्थी से ऊपर वाली पदवी दी है भगवान ने, कि कहते हैं ये तो सकाम भक्त होते हैं, क्योंकि भगवान से मांगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पैसे चाहिए बच्चे चाहिए जो भी कुछ संसार की चीज हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये सकाम है लेकिन फिर भी ये हर पल मुझे याद करते हैं, काम के लिए अर्थ के लिए करते होंगे लेकिन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त है। इसमें बहुत दृष्टांत दिए गए हैं कि आरती भक्त कौन है, जिज्ञासु भक्त कौन है। आरती जैसे कहते कि द्रौपदी है, ये तो दृष्टांत के लिए दृष्टांत की बात है, और फिर जिज्ञासु भक्त कौन है, फिर अर्थार्थी भक्त कौन है, सुदामा के लिए अर्थार्थी भक्त कहा जाता है, अर्जुन को जिज्ञासु भक्त कहा जाता है, और ज्ञानी भक्त हनुमान जी को भी ज्ञानी भक्त कहा जाता है। तो ऐसे तरह तरह के भक्त, चार तरह के भक्त, लेकिन भगवान कहते हैं सबसे बड़ा जो ज्ञानी भक्त है, क्योंकि ज्ञानी भक्त जो है मेरे सिवा कुछ भी नहीं चाहता, वो बस मुझे ही भजता है, मेरे सिवा इसको कुछ चाहिए नहीं, उसको संसार की कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए कहते हैं वो तो मेरा खुद आत्मा है। ये ज्ञानी भक्त मैं उसका आत्मा हूँ और वो मेरा आत्मा है, मतलब ये मेरे से बिल्कुल अलग नहीं है, मेरे में ही ये समाया गया हुआ, तो ये सबसे बड़ा। और भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं बहुत प्रिय हूँ और वो भक्त भी मुझे अतिशय प्रिय है। लेकिन कहते हैं ऐसे करने वाले, लेकिन ऐसा कब होता है, बहुत जन्मों के बाद होता है। लेकिन कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान कहते हैं ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, एक से बढ़कर एक श्लोक इसमें है। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद ये ऐसा ज्ञानी भक्त होता है और उसके अंत जन्म में, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि अंत जन्म कौन सा है, क्या पता हमारा यही जन्म अंत हो, क्योंकि हम ये बोल नहीं सकते कि हमारा अंत जन्म कौन सा है, शायद यही मनुष्य जन्म है। कोई इसकी ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि अंत जन्म का बहु जन्म का मीन्स हमारे पहले दूसरे योनि में जो जन्म हुए हैं उसके बाद अंत जन्म जो हमारा मनुष्य का मिला है वो शायद इसीलिए मिला है। और ऐसे ज्ञानी भक्त को ऐसो को क्या होता है, वासुदेव सर्वमिति, जहाँ देखो वहाँ वासुदेव दिखता है हर एक प्राणी में। और ये बात गीता में बार 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 आई है, हर एक अध्याय में ऑलमोस्ट आई है, हर एक योग में आई है और हर एक निष्ठा में मार्ग में हर एक इसमें आई है कि वासुदेव सर्वमिति। ऐसी अपने मन की स्थिति जब तक बन नहीं जाती है, जैसे और जैसे सबके लिए प्रेम नहीं आता है, सबको दूसरे के आत्मा अपने में देखना और दूसरों को अपने जैसे देखना या भगवान को ही हर एक देखना, हर जगह वासुदेव ही वासुदेव है, ऐसा जो होता है कहते हैं कि ये लेकिन बहुना जन्म ना मनते, इस तरह से हो जाता है। फिर भगवान थोड़े में बताते हैं ये तो बात ठीक है जो मुझे भजते हैं वो ऐसे करते हैं, लेकिन दूसरे भी ऐसे होते हैं कि वो मुझे नहीं भजते, वो दूसरे देवताओं को भजते हैं। भगवान कहते हैं कि यो याम याम तनु भक्त, यहाँ तनु भक्त कहा है, तनु भक्त का मतलब है, तनु का मतलब है शरीर की जो पूजा करते, अपना शरीर नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा लिखा है कि मूर्ति पूजा, प्रतिमा पूजा, कब्रस्तान मुसलमान वगैरह भी जो होते हैं, या पुस्तक की पूजा, कोई भी जिसका आकार रूप रंग हो उसकी पूजा करते, मीन्स जिसको शरीर है, तो वो सब तनु भक्त होते हैं। लेकिन ये किसकी पूजा करते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं देवताओं को शक्ति भी तो मेरी है, वो चाहे उनकी भी पूजा करो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनकी श्रद्धा जो है उनमें स्थित कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पूजा नहीं करते हैं। फिर कहते हैं लेकिन उनको क्या होता है, उनका फल भी थोड़ा ही मिलता है। भगवान कहते हैं तद्व वध्यत्व मेदसाम, कैसा छोटा फल मिलता है। वो भक्तों के बात समझ में नहीं आती है कि इनको जो फल मिलता है वो भी तो विनाशी फल होता है, क्योंकि वो इच्छा कामना भी ऐसे करते हैं, जैसा फल मिलता है वो तो विनाशी होगा और फिर दुख इनके पीछे पड़े हुए और लगे हुए रहते हैं। फिर आगे चल के भगवान बताते हैं
के लेकिन अपनी योग माया में छिपा हुआ जो मैं हूँ और अज्ञान से जो लोग मुझे जानते नहीं है, लेकिन मैं सबको जानने वाला हूँ। मैं पहले क्या हुआ वो जानता हूँ, अब क्या हो रहा है ये जानता हूँ, और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं जानता हूँ। ऐसा मुझे जो समझता है वो मेरा सच्चा भक्त है। लेकिन कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुद्रे न द्वंद्व मोहे न भारत, ये द्वंद्व में हम सब लोग फंसे हुए हैं, ये माया का द्वंद्व है। मैं इसमें छोटा सा दृष्टांत देती हूँ कि जहाँ माया आती है वहाँ द्वंद्व जरूर आता है, द्वंद्व के बिना माया नहीं होती है। इसीलिए भगवान बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि तुम ये द्वंद्व से मुक्त हो जाओ, जब तुम द्वंद्व से निकल जाओगे तभी मुझे जानोगे। और लेकिन माया द्वंद्व से रहित नहीं हो सकती। जैसे सूत होता है, एक सूत लेते हैं तो सूत होता है, लेकिन सूत से जब कोई कपड़ा बनाता है तो कपड़े के फिर अलग अलग आकार होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं, फिर उससे हम अलग अलग जैसे कमीज है साड़ी जो भी कुछ बनाते हैं। और जब ऐसा बन जाता है, और माया का दूसरी व्याख्या ये भी है कि कला कौशल और कारागिरी ऐसे कहते हैं। तो जो सूत से जो कला डाल के या कौशल डाल के या कारागिरी करके उससे कपड़ा बनाया है, तो जहाँ कपड़ा बना वहाँ पे द्वंद्व आ गया, क्योंकि राइट अवे हमारे मन में आ जाता है ये अच्छा है ये बुरा है, मुझे ये नहीं चाहिए मुझे वो दूसरा चाहिए, मुझे ये जस्ता नहीं है मुझे वो दूसरा बिल्कुल जस्ता है। इस तरह से हमारे मन में अनेक भाव आ जाते हैं, लेकिन उसमें जो सूत है वो भाव हम भूल जाते हैं। और वही भगवान है, वो सूत को भूल कर हम कपड़े में लपेट जाते हैं, कि हम कपड़े में ही फंस जाते हैं, और यही माया का खेल है, यही द्वंद्व है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, और फिर हम इच्छा और द्वेष इसके समंदर में फंस जाते हैं, और फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। फिर आखिर में फिर भगवान बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग बताते हैं, आखिर वाले दो श्लोक में बताते हैं कि जरा मरण मोक्षाय। जरा मरण जो है, भगवान ने बार बार ये कहा है जरा और मरण ही क्यों, क्योंकि ये भगवान गुरुदेव ने पहले बताया था कि सबसे बड़ा भय मनुष्य को कौन सा है, तो वो है मरण का। इससे बड़ा भय कोई है ही नहीं, और मरण और दूसरे उसके पीछे वाला भय है जरा। बुढ़ापे को सब लोग बहुत डरते हैं, देखते हैं तो फिर लगता है कि हमारा क्या होगा, और उसके बाद भय होता है मरण का। तो ये जरा और मरण, इसका भय जो है, अगर तू मेरा आश्रय लेगा तो इसका भय तुझे नहीं रहेगा। इसलिए जब सबसे बड़ा भय निकल जाता है तो फिर तू बंध मुक्त हो जाएगा और तू शांति को प्राप्त हो जाएगा। और भगवान इस अध्याय की फिर समाप्ति करते हैं, सादि भूतादि दैवम माम सादि यज्ञम चये विदु प्रयाण काले माम ते विदु युक्त चेतसः। फिर यही क्वेश्चन लेकर, यही श्लोक लेकर अर्जुन ने आठवें अध्याय में पहले दो श्लोक में एकदम से आठ प्रश्न उठाए हैं। भगवान फिर अर्जुन पूछते हैं, जैसे अभी गुरु माँ बताएंगे ये प्रश्न क्या है, जो भगवान अर्जुन पूछते हैं कि ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और मरने के समय अंतकाल में मुझे किसका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान बताते हैं कि जो मरने के समय में मेरा स्मरण करेगा वो उसे मेरी प्राप्ति होगी। तो फिर अर्जुन के मन में ये जागृत हुई, ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे समझना है कि ये है क्या, ये अधिदैव क्या, भगवान क्या कहते हैं, यज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, ये कर्म क्या है, और अंत काल में भगवान मैं आपका स्मरण कैसे करूं। और इसी से फिर आठवें अध्याय का प्रारंभ होता है। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दासी का साष्टांग नमस्कार। आदरणीय गीता प्रेमी भक्तों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम है। बहुत ही सुंदर शब्दों में रजनी बैन ने अभी सातवें अध्याय की व्याख्या करी है, ज्ञान विज्ञान योग था। और अभी हम विचार करेंगे आठवें अध्याय पे, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म, अक्षर का मतलब है जिसका कभी विनाश न हो, वो परम पुरुष जो अविनाशी है वो ब्रह्म, उसकी कुछ चर्चा करेंगे। अध्याय की शुरुआत जो होती है वो अर्जुन के प्रश्नों से होती है। गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर ढंग से हमको बताते हैं किस तरह अर्जुन ये सवाल पूछते हैं, एक ही सांस में आठ प्रश्न करते हैं। महाराज जी बहुत प्यार से समझाते हैं, देखो
हम कोई सवाल पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है, जवाब मिलता है। फिर पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, जवाब मिलता है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, जवाब मिलता है। मगर यहाँ पर अर्जुन तो एक ही सांस में पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम हृदयम किम उच्यते अधियज्ञ कथम को, तो ऐसे पूछते ही चला जाता है। एक ही सांस में 8 सवाल पूछता है। बड़ी उत्कंठा हो रही है अर्जुन की, जो ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे ज्ञान बढ़ता है उत्कंठा उतनी ही बढ़ती जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। अब अर्जुन पूछता है भगवान से 8 सवाल, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। भगवान एक एक सवाल का जवाब देते जाते हैं कि अक्षरम परम ब्रह्म, वो परम अक्षर जो है वो ब्रह्म है। इन बातों को अगर बैठेंगे सोचने तो बहुत समय लग जाएगा। महाराज जी बहुत समझाते हैं हमको, जैसे जैसे मौका मिलेगा तो फिर उस पर चर्चा करेंगे कि अक्षर परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते, और वो जो स्वभाव है ब्रह्म का वही अध्यात्म है। बड़ी गूढ़ विषय है, समझाने के लिए समय चाहिए, महाराज जी ने समझाया है। ऐसे हमारे पास कैसेज भरे हैं महाराज जी के, तो मैं आपको दे सकती हूँ निकाल करके। तो फिर भगवान से अर्जुन ने पूछा कर्म क्या है। कितनी सुंदर बात अर्जुन ने पूछी हम सब लोगों के कल्याण के लिए। तो कर्म क्या, हम कहते हैं हम खाते हैं पीते हैं कमाते हैं सोते हैं जाते हैं, सारे कर्म है। महाराज जी ने समझाया है, भगवान ने भी कहा है कि वो कर्म नहीं है। सच्चा कर्म क्या है कि भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है, कि भूतों के उद्भव के लिए जो जितने भी संसार में भूत हैं, प्राणी हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, खेती है, बाड़ी है, उन सब के उन्नति के लिए जो हम त्याग करते हैं वो असल में सच्चा कर्म है। फिर पीछे है कि अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, एक एक की व्याख्या बहुत लंबी है। एक सवाल जो अर्जुन ने पूछा है कि अंत काले च ममेव, जो अंत काल में प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभि, हे भगवान प्रयाण काल में अंत काल में मैं आपका चिंतन कैसे करूं, आपकी क्या पहचान है कि आप मुझे अंत काल में मिल जाओगे, कैसे मैं आपकी प्राप्ति करूं। इतना सुंदर सवाल है जिसके लिए हम सब सोचते हैं, जी तो हम रहे मगर हम तुम्हारे मन में एक ही सवाल उठता है हमारा अंत काल कैसे होगा, मौत का रूप क्या होता है। डरते भी हैं कई बार, मौत का भय भी होता है, मन में उत्कंठा होती है कि पिछले जन्म में हम क्या थे। इसके लिए भृगु शास्त्र के उसको खुलवाते हैं, खूब पेजेस निकालवाते हैं कि हम क्या थे पिछले जन्मों में। महाराज जी के पास ऐसे कई लोग थे, महाराज जी आप मुझे बताओ पहले मैं क्या थी, 2 जन्म पहले मैं क्या थी। महाराज जी को सब पता है, मगर महाराज जी जो है इन चीजों को नहीं बताते, हमको भटकाते नहीं है, महाराज जी सब जानते हैं। तो ये भृगु शास्त्रों में जाते हैं लोग, 7-7 जन्मों पहलों वाले जो है वो प्रश्न निकालते हैं कि हम क्या थे। सिंपल सी बात है, आज जो हम आज हैं इस जन्म में वो पिछले जन्मों का जो फल है, इसलिए हम आज ऐसे हैं। हमारे हाथ में गीता है, हमारे पास ऐसे गुरुदेव भगवान है, ऐसी हमारी संगत है, ऐसी हमारी सोसाइटी है, ऐसे हमारे माता पिता है, ऐसा हमारा परिवार है, ऐसी हमारी शिक्षा है, ये सब हमारे पिछले जन्मों का फल जो है हम पाते हैं। आगे हम क्या बनेंगे, जो अभी हम कर रहे हैं आगे हमको मिलेगा। भगवान ने कहा है कि अंत काले च ममेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावं याति नास्ति संशय। हे अर्जुन, अंत काल में जो जो तुम स्मरण करते हो या जो मनुष्य स्मरण करता है उसी के अनुसार ही उसकी गति होती है। अंतमति सो गति, अगर अंत में सारी जिंदगी तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, अंत में कोई ऐसी बात याद आ गई तो उसके अनुसार ही उसका जन्म होगा। और हम देखते हैं महाराज जी हमको बताते हैं, मैंने ऐसे कुत्ते देखे हैं जो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, जिनकी तो सेवा हमारे मनुष्य करते हैं, जिनके लिए बड़े बड़े टेबल लगे रहते हैं, तो कुत्तों का इतना अच्छा जन्म क्यों है। मैंने अभी भी देखा लैगोस में, हमारे जहाँ पर हम ठहरे थे उनके पास छोटा सा कुत्ता था, वो किस तरह बैठ के गीता सुनता था, महाराज जी के पास आता था, आशीर्वाद लेता था, और खाना कैसा खाता था, बिल्कुल सात्विक। मैं खा लेती थी ठंडी रोटी, मगर वो नहीं खाता था जब तक उसको हम गर्म रोटी न खिलाए मक्खन लगा कर। तो ये कुत्ते को ये सात्विक जन्म क्यों मिला इस बार, तो उसने जरूर कोई अच्छा कर्म किया है जो ऐसे जन्म ऐसे घर में आया, संतों के दर्शन कर रहा है, गीता सुनकर के मेरे पास आके बैठता था, भाई मुझे मैं भी गीता सुनूं। तो ये सब चीजें बताती है हमको कि अंत में जरूर उसका कुत्ते का ध्यान आ गया होगा। जैसे राजा भर्तृहरि को उस हरण का ध्यान आ गया कि अरे मैंने तो ये हरण पाल लिया, अब इसका क्या होगा, बस इतने बड़े योगी होकर के ध्यान हरण में चला गया और फिर अगले जन्म में उसको हरण बनना पड़ता है। तो इसलिए हमको एक एक अपने विचारों की, अपने सोच की, अपने ख्यालों की संभाल करनी है। भगवान ने इसलिए अर्जुन को कहा है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मृत, इसलिए अर्जुन तुम क्या करो, हर समय में तुम मेरा ध्यान करो।
हर समय मेरा ध्यान करोगे तो अंत में तुमको मेरा ही ध्यान आएगा। कई लोग कहते हैं अब तो जिंदगी भर मौज कर लो, अंत में राम नाम जप लेंगे, मगर वो इतना आसान नहीं है। वो हम खाली सोचते हैं अंत समय कब होगा हम क्या पता। रात को जब हम सोते हैं तो नींद हमको कब आती है हमें पता नहीं चलता। तो इस तरह मौत भी कब आती है उस दशा में उस समय का हमको पता नहीं रहता। इसलिए मन को उसका प्रैक्टिस उसका अभ्यास लगाना है हमको कि मन हमेशा राम नाम जपता रहे, जो भी गुरु मंत्र है उसको जप करना चाहिए। तो भगवान ने बताया है कि अंत में ही तुम्हारी जो ख्यालात होती है उसके अनुसार तुम्हारा जन्म होगा। इस एक क्वेश्चन का जो अर्जुन ने पूछा है कि प्रयाण काले जगतम गेयोसी नियतागमी, क्या इसका परिणाम होगा प्रभु, इस सवाल का जवाब भगवान ने 11 श्लोकों से दिया कि 11 मंत्रों से एक एक सवाल का कि किस तरह तुम मेरा ध्यान करो। कविम पुराण मनुशासितार, इतनी सुंदर सुंदर श्लोक है इस अध्याय को, तो बैठ करके अगर हम सोचे तो रात भी जाए सुबह हो जाए तो भी समाप्ति नहीं होगी। महाराज जी हमारे पास लाइब्रेरी में आए थे, कविम पुराण मनुशासितार के जो गुरुदेव ने प्रवचन दिया है वो आज तक मैं नहीं भूलती। एक एक जो उनकी विभूति है भगवान की, कवि क्या कवि होता है, महाराज ने समझाया कवि किसको कहते हैं। 1.5 घंटा पूरा गुरुदेव भगवान का इस मंत्र पे प्रवचन था, कवि पुराण मनुशास्त्र। फिर प्रयाण काले मनसा चलेन यदक्षरम वेदविदो वदन्ति, ऐसे 11 श्लोकों से भगवान ने एक सवाल का उत्तर दिया। अंत में बताया भगवान ने कि किस तरह तुम उस परम ब्रह्म का ध्यान करो, अंत में वो है ओमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनोस्मरण, कि तुम ओम शब्द जो है जो परम ब्रह्म का स्वरूप है उस ओम को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम पैति देवम, भ्रुवों के बीच में लाकर के उस ओम का ध्यान करो, तुमको वो स्वरूप जो प्रकाशमय है उसकी तुमको प्राप्ति होगी। कई लोगों का ये शंका होती है कि कल तो भगवान ने बताया 6 अध्याय में कि नासिक ग्रह जो है उस पर ध्यान करो, अब बता रहे हैं कि भ्रुवों के मध्य में ध्यान करो, तो कौन सा उत्तम है कौन सा श्रेष्ठ है। गुरुदेव भगवान ने बताया है कि जो 6 अध्याय है वो हमको अभ्यास करना सिखाता है, वो स्टार्टिंग है, मगर वो ध्यान जब परिपक्व होता है यहाँ करके उस परम प्रकाश का हमको जो है उस साधक को उस योगी को उसका दर्शन होता है। तो भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुष्पेति देवम। फिर भगवान ने कहा है अर्जुन को अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्याम सुलभ पार्थ। तो इसमें जो सुलभ शब्द है ये गीता में सिर्फ एक ही बार आया है, मैं तुमको सुलभ हूँ, मैं तुमको मिल सकता हूँ। कैसे मिल सकता हूँ, अनन्य चेता अनन्य भक्ति का प्रिया पर वर्णन आया है। जैसे रजनी बहन ने कहा कि ये जो हमारा शतक शुरू हुआ है भक्ति का शतक, मगर यहाँ पर भी कर्म की समाप्ति नहीं है, योग की समाप्ति नहीं है, समता की समाप्ति नहीं है। भगवान ने हर बात में हर योग में हर शतक में तीनों बातों को कर्म भक्ति योग को लिया हुआ है। फिर भगवान ने कहा कि मामो पे पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम ना प्रवंति महात्मा न संसिद्धिम परमामृता। अर्जुन जो मेरे को प्राप्ति मेरी प्राप्ति करता है वो दुखालय, भगवान ने संसार को कहा एक शब्द से ये संसार दुखालय है। पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेंगे, वस्त्रालय में जाएंगे तो सारे वस्त्र मिलेंगे, औषधालय में जाएंगे तो सारी औषधियां मिलेंगी। संसार को क्या भगवान ने कहा है कि ये दुखालय है, आप तो दुखों का कोई अंत ही नहीं है। हर तरह के दुख तरह तरह के दुख महाराज जी के पास लोग आते हैं, जैसे महाराज कहते हैं लाखों करोड़ों लोगों से मैं मिला हूँ, जो आता है अपनी नई नई प्रॉब्लम सुनाता है, ये दुख है वो दुख है, संसार में दुखों का कोई अंत ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि दुखों से तुम कैसे पार हो जाओ मेरा चिंतन करके। तो ये जो दुखों से पार होना ऐसे है जैसे हम कहते हैं भजन गोविंदम में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो आना और जाना बार बार जो आवागमन का चक्कर है वो फिर उसका समाप्त हो जाता है। फिर आगे भगवान ने बहुत सुंदर बातें बताई, योगी की पहचान क्या है, योगियों के जाने के रास्ते क्या है, और ब्रह्मलोक क्या है, आगे उस ब्रह्मलोक के आगे भी वो जो परम धाम है वो क्या चीज है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान ने कहा है कि ब्रह्म लोक तक तो तुम्हारी जो है पुनरावृत्ति आना जाना जो है होता रहता है, और भगवान का जो धाम है ब्रह्म लोक से भी आगे है। अब हमको ये समझना है, बहुत गहन विषय है गूढ़ विषय। तो ब्रह्मा का भगवान ने बताया एक दिन क्या है, ब्रह्मा की एक रात क्या है, अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम अपने एक एक कर्म का पूरा पूरा हिसाब रखेंगे। भगवान ने कहा है कि 4 युग जो है कलयुग है 4,32,000 का, और फिर त्रेता जो है 8,64,000 का द्वापर, और त्रेता जो है 12,96,000 का, और सतयुग जो है 28,00,000 और
17,28,000 का, तो कुल मिलाकर के चारों युगों की जो उम्र है 43,20,000। लाखों की बात है यहाँ पर, एक दो हजार साल की बात नहीं है, लाख वर्षों। इसको आप हजार गुना करो, हजार गुना करो तो कितने लाखों साल हो जाएंगे। वो खाली ब्रह्मा का एक दिन है और इतने ही ब्रह्मा की एक रात है। ऐसी ब्रह्मा की 100 साल की आयु है, तो सोचिए कितनों अरबों खरबों साल जो है ब्रह्मा की आयु है। वो भी नाशवान है, वो भी नाश को प्राप्त होता है। इसके आगे जो है परम धाम बहुत आगे। तो कल्प क्या है और प्रलय क्या है? जब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है यहाँ पर प्रलय हो जाती है, और फिर नए से जब भगवान का दिन शुरू होता है तो यहाँ से कल्प की शुरुआत होती है। कई बार हम सोचते हैं हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं, हमको क्यों दुख मिल रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, बड़े बड़े संतों को दुख होते हैं तो हम कहते हैं इसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, इसको क्यों ऐसा दुख आया। तो ये तो एक दो जन्म की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्मों की। देखिए कर्म कहाँ विनाश नहीं होता है। ऐसे ही किसने पूछा अगर प्रलय हो जाएगी तो हम उसमें प्रलय में लीन हो जाएंगे, हमारे कर्म खत्म हो गए। भगवान कहते हैं नहीं, जब तुम रात को सोते हो जिस नाइट ड्रेस में सोते हो सुबह तो उसी में उठोगे ना। इसी तरह प्रलय में जब हम सो जाते हैं उसमें, और जब दिन जैसा ब्रह्मा का शुरू होता है उसी तरह अपने कर्मों को लेकर के हम फिर जागृत होते हैं, तो हमारा कर्म तो वहां भी नाश नहीं होता। इसलिए कर्म की गति भगवान ने कही गहना कर्मणो गति, कर्म से ही तुम्हारा जन्म है, कर्म से ही तुम्हारा वरण है, और तुम्हारी पहचान इसी से है कैसे तुम्हारा जन्म होता है। कई लोग कहते हैं भाई कैसे हमको मौत का भय होता है, तो यहाँ पर जो योगी हमेशा भगवान के चिंतन में होता है उसको मौत का भय नहीं है, मौत उससे डरती है। महाराज जी कहते हैं कि कई ज्योतिषियों ने कहा कि तुम्हारी तो उम्र खाली 18 साल होगी, और मैंने योग शक्ति से उस ज्योतिषियों को भी फेल कर दिया, और ऐसे अनेक 18 भगवान गुरुदेव के निकल गए। महाराज जी कई बार मजाक करते हैं मेरी फाइल गुम हो गई है, तो ऐसे योगियों से मौत भी डरती है। तो मैंने कहा महाराज जी को, महाराज जी तो फिर ज्योतिष में और योग में क्या अंतर है? गुरुदेव भगवान ने बताया जहाँ पर ज्योतिष खत्म होती है वहां से योग शुरू होता है। बहुत सुंदर बात है, ये बात समझने की है। मैं तो बस इस बात में यही लेती हूँ कि हमें अपने हर कर्म का हिसाब रखना है, आंख मूंद के कर्म नहीं करना, हमको ही भोगना है और कोई नहीं भोगेगा, हमको भोगना है। फिर भगवान ने बताया है दो रास्ते हैं योगियों के जाने के, एक उत्तरायण का और एक दक्षिणायन का। उत्तरायण का रास्ता क्या है? जहाँ से योगी जाता है वो दोपहर का समय हो, और उत्तरायण में सूर्य कब आता है? मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है, 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। उसमें जब दिन का समय हो, बहुत कड़ी धूप हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का जो महीना हो, और महीने में दो पक्ष होते हैं, यहाँ पर सारे ज्योतिष आ जाती है, शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, कौन सा काल है, कौन सा समय है, कौन सा महीना है, यहाँ पर सारा ज्योतिष का एस्ट्रोलॉजी का विभाग आता है। फिर भगवान कहते हैं कि उस शुक्ल पक्ष में जब दिन का समय हो और उत्तरायण का महीना हो उसमें जब योगी जाता है तो वो परम धाम की प्राप्ति करता है, ब्रह्मलोक से आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ब्रह्मलोक तक तो हम काल के अंदर हैं, बंधे हुए हैं समय से, मगर उसके आगे जो भगवान का परम धाम है वो काल से अतीत है, क्योंकि भगवान स्वयं कालातीत है। फिर दूसरा जो योगी होता है जो दक्षिणायन में जाता है, उसमें तो दक्षिणायन वाला समय होता है जून के बाद, और फिर उसमें रात का समय होता है चंद्र ज्योतिर, उसमें चंद्रमा की ज्योति होती है और कृष्ण पक्ष का महीना होता है। उसमें अभिमानी देवता अपने अपने आत्मा को लेते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये दो रास्ते योगियों के जाने के हैं। गुरुदेव भगवान समझाते हैं ये तो होगा हो गया इसका आधिभौतिक अर्थ। एक आध्यात्मिक अर्थ है कि हमारे शरीर में ही उत्तरायण क्या है और दक्षिणायन क्या है। जैसे कल शीला बहन बता रही थी कि वो जो लोअर पार्ट है, एक हायर सेल्फ है एक लोअर सेल्फ है, नाभि से ऊपर जितना भी है ये हमारा हायर सेल्फ है, ये हमारा हायर पार्ट है, उत्तरायण है। जब मरते समय हमारा प्राण ऊपर से निकले तो वो है उत्तरायण। उसमें भी जो ये ब्रह्मलोक ब्रह्मरंध्र कहते हैं, यहाँ से अगर प्राण निकल जाए तो वो तो शरार करके परमात्मा में समाप्त हो जाता है, उसको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। ये है ब्रह्मलोक, यहाँ पर ब्रह्मलोक है। और जो प्राण नीचे से निकल जाता है अधो गच्छन्ति तामसा, तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन अपने शरीर में ही है, और प्राण किस तरह निकलता है तो वो भगवान ने समझाया है।
फिर भगवान ने आगे कहा है कि नैते सती पार्थ जनन योगी मुयति कश्चन तस्मा सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भाजन। दो बार भगवान ने इस अध्याय में तस्मा सर्वेषु कालेषु करके आज्ञा दी है। एक पाल पहली बार कहा कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनु स्मृ, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो। अब कहते हैं कि योगी जन जो होते हैं इन बातों को सबको जानते हैं कि काल की गति क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, परम धाम क्या है, और उत्तरायण क्या है और दक्षिणायण क्या है। तो इसलिए योगी लोग इससे मोहित नहीं होते, माया के चक्कर में नहीं पड़ते। इसलिए अर्जुन तस्मा सर्वेषु कालेषु, दोबारा कहते हैं भगवान, योग युक्तो भवार्जुन, इसलिए तुम योग में स्थित हो जाओ। फिर कैसे उसका फल होता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम योगी परम स्थान उपैतिचार्यम। योगी सारे जितने भी कर्म का फल है उसको लांग जाता है। कौन से फल है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदों को पढ़ने का जितना फल होता है, जितना दान करने का फल होता है, जितना तप करने का फल होता है, जितना यज्ञ करने का फल होता है, इन चारों से योगी जो है लांग जाता है, उल्लंघन कर जाता है और उस परम पुरुष जो है परम धाम की प्राप्ति करता है। वो परम धाम क्या है, कि न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वो परम धाम है जिसको न सूर्य प्रकाश करता है न चंद्रमा, क्योंकि परमात्मा खुद जो है प्रकाशमय है, परमात्मा इनको प्रकाश देता है, ये परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये जो आठवां अध्याय है इसमें एक एक श्लोक इतना सुंदर है, इतना गूढ़ है, और इसकी इतनी तो महानता इस अध्याय की, अगर इसको कोई रोज बैठ करके पवित्र वस्त्रों को धारण करके, सफेद वस्त्रों को गुरुदेव भगवान ने बताया था हमको लाइब्रेरिया में, तब से मैंने इसका पाठ करना शुरू किया। सफेद वस्त्र पहन करके, सफेद आसन पे लगा करके, दीपक सामने जला करके और निश्चल मन से इसका पाठ करे, उसको अपने पूरा जन्म का पूरा जो है ज्ञान हो जाता है। इसके पितर कहाँ पर है उनका पूरा उसको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगी, आज मेरे कई और भी भाई बहन आए हैं। हनुमान जी की बात रजनी बहन ने कही कि ज्ञानी नाम मग्र गंगा में, हनुमान जी तो ज्ञान के स्वरूप है ज्ञान। मैं तो कहती हूँ हनुमान जी में सभी सब कुछ है, ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। ऐसे हनुमान जी की पूजा हमारे दिल्ली गीता आश्रम में लगातार 40 दिन होती है, शादी 2-3 दिन होती है, मगर हनुमान जी की पूजा तो 40 दिन शादी शादी होती है, इतना डेकोरेशन देखने जैसा होता है। तो वो 40 दिन लगातार कंटिन्यूस हमारे पास हनुमान जी की पूजा होती है। हर रोज 1000 लड्डू का उनको प्रसाद चढ़ता है जो हमें आश्रम में बैठ करके बनाते हैं, और हजारों तो हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। किसको शनि की दशा होती है या मंगल की होती है, राहु की होती है या केतु की होती है, हम कहते हैं भाई हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो एक पाठ, तो एक पाठ में ही वो खुश हो जाता है। मगर यहाँ पर तो हर रोज हजारों पाठ होते हैं हनुमान चालीसा के, और हर मंगलवार को हनुमान चरित्र पे वो बच्चे ड्रामा दिखाते हैं। तो बहुत सुंदर ये जो कार्यक्रम हमारा गीता आश्रम में होता है, कई लोगों के ऐसे मन में आया भी हमारी तरफ से ये सब हम भी प्रसाद चढ़ाएं, हमारे नाम से प्रसाद चढ़े, हमारे नाम से पूजा हो, हमारे नाम से पाठ हो। तो कई लोगों ने ऐसी पूजाओं को स्पॉन्सर किया है। अगर आपके मन में ऐसी श्रद्धा हो हनुमान जी के लिए पूजा कराने की, तो बेशक आप मुझको कह सकते हैं, आपके नाम से पूजा होगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ज्यादा समय ले लिया, मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ आज चैप्टर ऐसा था। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुप्रभा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। सब लोगों के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, अब सब आए गीता आश्रम में। ये गीता आश्रम गुरुदेव भगवान ने 79 में स्थापित किया था, उससे आज तक करीब 18 साल हो गए। हम लोग हर अल्टरनेट फ्राइडे को मिलते हैं, सत्संग करते हैं, और हर फ्राइडे हर थर्सडे नाइट में गीता स्टडी करते हैं, और फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ पूरी गीता रिसाइट करते हैं और रोटेट करते हैं, किसी को करवाना है तो उनके घर जाके करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट संडे होते हैं, साल में 12 ही होते हैं,
और भक्त लोग इतने हो जाते हैं तो हमें कई बार 15-20-25 तक वो संडे का पाठ करना पड़ता है। तो ये सब बुद्धे भगवान का आशीर्वाद है, उन्होंने गीता आश्रम सेट किया था, उसके हिसाब से हम सब करते हैं। अभी सब लोगों ने इतनी बातें कही, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं तो बस इतना ही बताऊंगी कि मेरे को 7वें अध्याय का 21वां श्लोक बहुत अच्छा लगता है। इसमें भगवान बोलते हैं कि जो जो आदमी जिस जिस में अपनी भावना रखता है, मैं उस उसमें प्रत्यक्ष होके उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, पर जो मेरे में रखता है मैं उसको बोलता हूँ। तो कभी कभी हमें चिंता होती है कि वो सब में तो भगवान है ही है, तो फिर मेरे में क्या हुआ। तो फिर ये होता है कि देवता लोग होते हैं, उनकी पूजा की विधि होती है, उनको करने का अगर तुम पूरी विधि से काम नहीं करो और कुछ उसमें चूक रह जाती है तो उसमें उसका फल उल्टा भी हो सकता है। और आपने ठीक ठीक से भी किया, सब कुछ संपूर्ण हुआ, फिर भी वो टेम्परेरी होता है। उसके बाद में जैसे एक कॉइन के दो साइड होती है, पहलू होते हैं, सुख दुख हरे का खत्म होने का और स्टार्ट होने का होता है। पर जब हम भगवान में भगवान मिल जाते हैं हमको, तो हमें ये सब दुख सुख है ना, उसका बिल्कुल परवाह नहीं रहती है। बिकॉज जब आपके साथ भगवान होते हैं तो आपको किसी तरह की न दुख आपको प्रतीत होता है न सुख होता है, बिकॉज आप जब भगवान के पास चले जाते हैं तो कुछ बचता नहीं है बाद में। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। 12वें अध्याय में तो 13वें श्लोक में से लेकर 19 श्लोक तक भगवान ने 39 भक्त के गुण बताए हैं। और दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि नित्य युक्त उपासक थे। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने 12वें अध्याय में बताई है कि नित्य युक्त उपासक थे। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी काम करते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं, अगर तुम मेरे को बहुत बार पूछते हैं तुम गीता पढ़ती है, तो मैं बोलती हूँ हाँ कभी कभी जब टाइम मिलता है। तो बोलते हैं कभी कभी, तो फिर भगवान को ऐसे लिखने चाहिए था कभी कभी उपासक थे। भगवान ने जब नित्य युक्त उपासक थे लिखता है तो तुम लोग नित्य क्यों नहीं करते हो। और जब तुम मेरे पास आके बैठती हो तो बोलती हो तो मेरे को खुशी होती है। वो खुशी मैं नहीं देता हूँ, तुम्हारे अंदर से आती है और वो सब के अंदर है, हम सब उसको पा सकते हैं। पर हमें उसका ज्ञान नहीं है कि हम भूल जाते हैं इस माया में फंस के। जब रजनी बहन बता रही थी कि 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, तो गुरुदेव भगवान ने बोला था एक बार कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान है जैसे धागा है या रूई है, वो तो है ज्ञान। और उससे जो भी चीज बनती है वो सब विज्ञान हुआ। तो उसी तरह से भगवान ईश्वर जो है वो तो अपना ज्ञान हुआ। और फिर ईश्वर से जितने ये मनुष्य सब दुनिया बसती है, तो वो बोलते हैं ना कि वो सब विज्ञान हुआ। 11वें अध्याय में भगवान यही बताते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, ये मेरा विश्व रूप देखना है तो ये दुनिया देखो, मैं सभी जगह हूँ। तभी हम बोलते हैं भगवान के हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पांव हैं, किस हाथ से वो किसका काम करता है हमको पता नहीं चलता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें गीता में बताई है। फिर उन्होंने बोला सोना जो है, सोना हुआ ज्ञान, और सोने के जितने भी गहने बने वो हुआ विज्ञान। अब चूड़िया बनाई तो वो भी सोने की बनी, कंठा बनाए तो वो भी सोने का, कानों के बनाए तो वो भी सोने के, पर खास तत्व उसमें क्या है, तत्व उसमें है सोना। तो ये सब बातें गीता में इतनी गूढ़ रूप से भरी पड़ी है कि मैं सब लोगों के आगे कुछ बताने की क्षमता भी नहीं रखती हूँ। फिर भी कोशिश करते हैं कि जैसे गुरुदेव ने कहा है कि चलना शुरू करोगे तो गिरोगे आगे बढ़ोगे, गिरोगे आगे बढ़ोगे, तो उसलिए हम सब शुरू करते हैं। तो बस इसने कह के मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। जैसे हाथ में माइक दे दिया।
कुछ ज्ञान नहीं है मुझे, शायद गुरु जी की कृपा मुझे। अगर कुछ भूल चुक हो तो माफ करना, इंग्लिश आती नहीं है बराबर। जो कुछ भी बोलूंगी ये समझना गुरु जी बोल रहे हैं। गुरु जी बहुत साल से बनाए, पर माफी चाहती हूँ, मैंने गीता दो दफा पढ़ी, रोज नहीं करते, इतना बिजी रखा है, लाइफ में टाइम नहीं मिलता, पर याद जरूर करती हूँ, मन से रोज याद करती हूँ और काम करती हूँ, इतना सीखा है। इतना मैं कहूंगी कि मैं रोज सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, परमात्मा को रोज याद करती हूँ, मुझे पता है पहले कौन थी, मेरा काम क्या है, बहुत दुख सहन करके ये जिंदगी पाई, ये महात्मा मिले, अपनी लाइफ बदल गई। कई लोग मेरी कहानी जानते हैं, गुरु जी हम लोग घर में मंदिर तो बनाते हैं, साफ सफाई करके ये फोटो रखते हैं, गंदगी में कभी पिक्चर नहीं रखते भगवान के, इसी तरह भगवान ने ये मंदिर दिया है तो इस मंदिर में पहले क्लीन करना चाहिए। बहुत सारी खराब गंदी चीजें हैं जिसके हमें खुद को पता नहीं है कि क्या चीजें हमारे में गंदी है और अच्छी है। पहले मन को साफ करना होता है, पवित्र बनना पड़ता है, परमात्मा पवित्र जगह पे होता है। परमात्मा कहते हैं पहले पवित्र बनो, फिर खुद बखुद आ जाएगा। मैं खुद भी पवित्र नहीं हूँ। बाहर जी कहते हैं ना जोर से बोल, सुनना चाहते हैं बाहर। ओके। पवित्र बनना पड़ता है तो कैसे बने? तो पहले मन को साफ करना पड़ता है। वो कैसे होता है साफ? मन में बहुत विचार सब इतने कंटिन्यूस चलता है, विचार जिसकी धारा इतनी है खराब, जेलसी, कभी वो नहीं टूटता, उसको तोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, दिल को पुस्तक में लगाना पड़ता है। जब पुस्तक में लगता है तो धीरे धीरे अच्छे विचार आने लगते हैं। हमको हम बाहर रोज देखते हैं, अंदर कभी नहीं देखते। सब कुछ हमारे अंदर है, शक्तियां बड़ी बड़ी है, हमें कुछ पता नहीं है, यूं ही दुनिया में चलते जाते हैं, दौड़ते भागते जाते हैं। तो हमको अंदर देखना पड़ता है। गीता पढ़ने से पहले भी मन को स्थिर करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। एक बात याद आई कि महात्मा यहाँ क्यों आते हैं? ये लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? इतने सारे लोग हम बैठे हैं यहाँ पे, बहुत करोड़ों लोग रहते हैं, सारे लोग क्यों नहीं आए? ये हमारे जन्म का जो बताया ना कर्म, इस पे एक दृष्टांत है, साधु रीति क्या होती है वो जो मैं आज आपको बताऊंगी गुरु जी के और से मैंने। नारद जी ने एक दफा घूमते घूमते कृष्ण भगवान के पास जाके पूछा कि भगवान ये साधु रीति क्या होती है, महात्मा क्या होता है, महात्मा का प्रभाव क्या होता है? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अभी एक खिसकोली का बच्चा पैदा हुआ है, तो उधर चला जा। नारद जी उधर चले गए,
जैसे ही नारद जी पहुंचे वो मर गया। वापिस आए फिर पूछा कि भगवान वो तो मुझे देखते ही मर गया। कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है तू अभी पोपट का जो बच्चा हुआ है उसके पास चला जा। ठीक है भगवान, वो उधर चला गया। नारद जी जब पहुंचे वो भी सिधा गया, वो बच्चा भी मर गया। फिर नारद जी ने बोला कि ये क्या हो रहा है। फिर वापिस आए फिर पूछा, फिर कृष्ण भगवान ने बोला कि ओके तुम वो गाय का जो वाछड़ा अभी जन्म हुआ है उसके पास चला जा। वो उधर भी चले गए, सेम थिंग हैपन। अब नारद जी बोले कि भगवान ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो, मैं बार बार जाता हूँ बार बार सारे मर जाए। भगवान ने बोला कि एक बार यहाँ नियर गांव में नया बालक का जन्म हुआ है तो उधर चले जाओ। नारद जी चले तो गए क्योंकि भगवान ने बोला था, पर जाते थे तो घबराते थे, कांपते थे कि ये बालक भी मर जाएगा मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो। तो नारद जी ने इतना बड़ा कपड़ा मुंह पे लगा दिया, बालक के पास चला गया। तो वो जो बालक था वो नारद जी को पहचान गया। वो खुद आया, बोले नारद जी आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, आपने कपड़ा क्यों ढका है मुंह पे। बोले अब मैं वो नहीं चाहता कि तुम मर जाए। बोले तुम्हारे दर्शन से मैं निचली योनि में था, अब ये मनुष्य जन्म पाया हूं और अभी आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, अब तो आपको ये कपड़ा हटाना पड़ेगा और मुझे दर्शन देना पड़ेगा। तो बालक ने बोला कि अब मैं आप अपना कपड़ा हटा दो, आपके दर्शन पाते अब मैं ये जन्म जो मिला है मनुष्य का इससे मैं दोबारा अब जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे ऐसा दर्शन दो कि मैं परमात्मा के पास चला जाऊं। तो मैं भी आज गुरु जी से वही कह रही हूँ कि हु नोज मेरा भी निचली होने से आज मनुष्य जन्म हो और हमारे सबके सामने ये महात्मा खड़े हैं, हम भी महात्मा को प्रणाम करें कि हमको सबको भगवान के पास ले जाए, सबको सद्बुद्धि दे, सबका माइंड बदल जाए। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया बोल। आप सबको हमारा प्रणाम है, क्योंकि आप सभी भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त भगवान के स्वरूप से भी ऊंचे होते हैं, इसलिए प्रणाम के साथ आदर सहित प्रणाम है। अभी आपके सामने आपने भक्ति ज्ञान और कर्म की बात की, तो भक्ति ज्ञान और कर्म की जो तीन योगनियां हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण के स्वरूप में थी। यहाँ पे शीला जी जो हैं वास्तव में एक कर्म योगी हैं, जिस तरह से उन्होंने गुरु जी की सेवा की है अपने पिछले 20-25-30 साल जब से भी वो गुरु जी के संपर्क में हैं, उसको सोचते ही हमारे उनके चरणों में सिर झुक जाता है। जिस आदर के साथ जिस भाव के साथ उन्होंने गुरु जी की सेवा की है, हम भगवान से प्रार्थना करना करेंगे कि वही आदर और भाव हमारे अंदर आ जाए ताकि हम भी उसी तरह से गुरु जी की और भगवान की सेवा कर सकें। लता जी वे वास्तव में भक्ति भरी हुई आप देख ही रही हो किस तरह से
गुरु जी की भक्ति कर रही हैं और जितना ज्ञान हम लोगों को रजनी जी से मिलता है, वास्तव में वो जितने भी लोग गीता आश्रम में आते हैं उस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि जितना ज्ञान रजनी जी ने जितने अपनी सारी जॉब के साथ मेहनत करके गीता आश्रम के भक्तों को बांटा है, वो वास्तव में पूजनीय है। क्योंकि आज अगर हम भी प्रयास करना चाहते हैं उसकी तरफ कुछ भी करने के लिए, तो हम जानते हैं कि उस त्याग के लिए कितने बड़े दिल की आवश्यकता है, जो त्याग रजनी जी ने किया है यहाँ पे गीता आश्रम के लिए। अपना जो मेहनत करती हैं उसके बाद जिस तरह से वो अपने यहाँ घंटे गीता आश्रम में बिताती हैं, उसके लिए उनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, जितना भी उनका आदर सहित चरण स्पर्श किया जाए कम है। गुरु जी ने अपने तीनों बच्चे जो यहाँ पे बड़े किए हैं, हम हमेशा गुरु जी से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके सारे गुण जो हैं आ जाएं किसी भी तरह से, ताकि थोड़ा सा लालच तो है, लेकिन अब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो सब कुछ हमें हो। और अभी हमको आपका नाम नहीं मालूम है, लेकिन अनु जी ने जिस भाव से अपने भाव प्रकट किए हैं, जिस अपने मन को जैसे खोल के रखा है, तो हम वहां बैठे लग रहा था हमें कि जैसे एक जैसे सारा जो वास्तव में ज्ञान है वो उनके मुंह से ही निकल रहा है। जिस तरह से वो बोल रहे थे कि हम काम करते हैं भगवान को हमेशा ध्यान करते रहते हैं, कह रहे थे कि हमारा मन मैला है, हमको अपना मन साफ करना है, पता नहीं कैसे हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमें आगे देखना है कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, भगवान तक पहुंच जाएं। तो वास्तव में हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ भी यही हो जाए, है ना, जितना मन हमारा मैला है हमारा भी मन साफ हो जाए, ड्राई क्लीन हो जाए, सारी धुलाई हो जाएगी, धुलाई हो जाएगी। अभी अब आप गुरु जी ने हमको आज्ञा दी आपके सामने कुछ बोलने के लिए, तो हम आपसे देखिए कुछ सोच के बोलते हैं, कुछ कुछ गुरु जी की प्रेरणा से हमारे मन में आता है तो बोलते हैं। गुरु जी ने कर्म की व्याख्या भी हमारे गीता कॉन्फ्रेंस में अर्बाना शैम्पेन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से वो कर्म की व्याख्या करनी शुरू की थी, और उन्होंने स्प्रिंगफील्ड में भी कर्म के बारे में बोला था। जो हमने पढ़ा तो हमारे मन में आया कि अब हम उसी बारे में थोड़ा सा आपको बोल दें, क्योंकि शायद सब लोग स्प्रिंगफील्ड में या अर्बाना शैम्पेन में नहीं थे। तो अभी रजनी जी यहाँ पे बोल रही थी कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान ने खुद ही कहा वासुदेव सर्वत्र, हम भगवान जी सभी जगह हैं, कण कण में भगवान हैं। कण कण से मतलब ये है कि आप जिस जगह बैठे हैं उसमें वो पृथ्वी प्रभु स्वरूप है, आपका शरीर प्रभु स्वरूप है, शरीर में आपकी सारी इंद्रियां प्रभु स्वरूप है, मन प्रभु स्वरूप है, चित्त अहंकार बुद्धि सभी मनुष्य प्रभु स्वरूप है। तो ये जितनी भी अपरा प्रकृति बोल रहे थे ना रजनी जी, जितने भी अपरा प्रकृति के जो भगवान ने एक एक भेद को तत्व से बताया है, वो सभी वास्तव में भगवान से ही
हैं और भगवान में हैं, और पराप्रकृति, पराप्रकृति हूँ ना कौन, तो पराप्रकृति जो चैतन्य शक्ति है हमारी, वो भी भगवान ही स्वरूप है, प्रभु स्वरूप है ना। तो ये सभी चीजें भगवान से निकली हुई है, इसलिए ये सभी आदरणीय हैं, सभी को हमें प्रणाम करना है। ऐसा ऐसा ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये चीजें नीची हैं किसी भी तरह से। आपका मन जो है वो, कई बार लोग ये समझाने रहते हैं कि हमारा मन जो है ये बहुत खराब है, हम ऐसा भाव बना लेते हैं अपने अंदर, या कई कई बार हम ऐसा भाव बना लेते हैं ये जो शरीर है ये बहुत तुच्छ है, तो हम उसका जो है फिर अनादर करने लगते हैं। तो भगवान ने हमें गीता में सिखाया है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जितना भी कुछ तुम इन हे अर्जुन, जितना भी कुछ तुम इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो, जब तक तुम अज्ञान में हो, इंद्रियों से जितना भी तुम ग्रहण कर रहे हो वो सभी मैं हूं। जब तक अर्जुन तुम अज्ञान में हो, जितना तुम अपने मन से ग्रहण कर रहे हो और जितना तुम अपनी बुद्धि से ग्रहण कर रहे हो, वो सब वास्तव में मैं ही हूं। ये सिर्फ तुम्हारे अंदर जो भ्रम है उसकी वजह से तुम्हें यह लगता है कि ये सब चीजें जो है मैं नहीं हूं, ये सब चीजें अलग अलग हैं, ये मुझसे भिन्न है, ये वास्तव में तुम्हारा भ्रम है अर्जुन, तुम इसको दूर करने का प्रयास करो। तो जीवन में जब हम इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो हमारा भ्रम है कि सभी कुछ भगवान नहीं है, या हमारा भ्रम है कि हम जो हैं लता जी हैं, या हम जो हैं शीला जी हैं, और हम जो हैं रजनी जी हैं या बोहरा जी हैं, ये जो हमारे अंदर भ्रम है कि रजनी जी, बोहरा जी या शीला जी भगवान से पृथक हैं, या ये पृथ्वी भगवान से पृथक है, या हम स्वयं भगवान से पृथक हैं, जब हम इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वह जो है हमारा वास्तव में कर्म बन जाता है। तो गुरु जी ने कर्म और अकर्म की बहुत अच्छी सुंदर तरीके से व्याख्या की है, तो हमने सोचा थोड़ा सा अब जो गुरु जी से हमको प्रेरणा मिली है, उससे जो मन में विचार आया उसको आपके सामने रख दें, कि जब भी जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम है, चाहे हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ चीज को सजा रहे हैं, स्वयं कपड़े पहन रहे हैं, कोई भी काम जो नेम है, जब हम कर रहे हैं उसको करते समय जब हम उसमें भगवान को देखने का प्रयास करें, तो हमारे भाव स्वतः से ऊपर उठेंगे। हम किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर हम ये प्रयास करें कि वास्तव में हम भगवान से ही बात कर रहे हैं, मुश्किल बात है बहुत, क्योंकि हम बहुत समय भ्रम में रहे हुए हैं, है ना। हमने ये मान लिया है कि हम मीना जी से बात कर रहे हैं बहुत समय, लेकिन अगर बात करते समय हमें ये लगे कि हम मीना जी से नहीं, वास्तव में भगवान ने गीता में ज्ञान तो दिया ही है ना कि हम सब जगह हैं, है ना। तो अगर हम मीना जी से बात करते समय हमें ये लगे कि मीना जी से नहीं बल्कि हम भगवान से बात कर रहे हैं, तो हमारे उस भ्रम को थोड़ा सा कम होने में सहायता मिलेगी, है ना। ऐसे ही जब हम आज गुरु जी के चरण स्पर्श करने आए, तो हम मन में ये रखें कि हम किसी शरीर के चरण स्पर्श नहीं कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में भगवान के ही चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो हमारे अंदर अगर हमें हमारे अंदर जो प्रभु चरण स्पर्श का जो भाव आए वो हम अपने साथ रखें, और उसके साथ वही भाव जो है हम हमेशा अपने साथ रखें। एक बार अभी जैसे गुरु 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 स्वरूप जो हमारा आदरणीय है, उनके जब हम चरण स्पर्श करेंगे तो हमारे अंदर एक सद्भाव आएगा, जैसे कि हमने किसी आदरणीय चीज के सामने अपना समर्पण किया है,
उनकी शरण में गए हैं। वह भाव हमारा अगर ये प्रयास रहे कि सभी व्यक्तियों के प्रति आए, एक पति का अपनी पत्नी की तरफ आए, एक माता पिता का अपने पुत्र की तरफ आए या पुत्री की तरफ आए, एक पुत्र का अपने पिता की तरफ आए, एक सास का अपनी बहू की तरफ आए, तो वास्तव में हमें जो भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है उसको जीने का जो सुख है और उस जीवन में जो शांत प्राप्त करने का की हमें क्षमता है वो सामने निकल के आएगी। बस अगर इतना कहके समाप्त करें तो आप काफी टाइम भी हो गया क्षमा करिए। गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। ये बच्चा जब बोलने लगा सबसे पहले इसके मुंह से एक शब्द निकला कि मैं लालची हूँ। उसी समय मेरे मुंह से आशीर्वाद निकला, भगवान इसका लालच खूब बढ़ जाए। और ऐसा लालच बढ़ जाए कि फिर दुनिया का कोई लालच इसके सामने आवेगी नहीं। भगवान ने तो बड़े गुस्से में थे, इतना गुस्से में अग्नि का गुस्सा शांत कैसे करें। वो रूप देख करके नृसिंह का रूप देख कर डर गए सब। ब्रह्मा जी को कहा आप खुद को शांत करो। ब्रह्मा कहे मैं नहीं जा सकता इनके पास। महादेव जी को कहा आप करो। महादेव जी ने कहा मेरी भी हिम्मत नहीं है, इनका ऐसा विकराल रूप देख करके मेरी हिम्मत नहीं होती इनके पास जाने की। तो कहते हैं कि नारी सबको प्यारी लगती है, लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी को कहा कि माता जी तुम जाओ तो ये तुम तुमको देख करके सजने का गुस्सा शांत हो जाएगा। वो आई देखा ऐसा भयानक रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं। निकाल मेरी हिम्मत नहीं पड़ती इनके पास जाने की, लक्ष्मी मना कर दिया। अंत में कहा कि ये पहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए हैं तो पहलाद को भेजो ये पास। तो पहलाद को लाया तो तुम जाओ इनके पास। पहलाद जट गया जाके उसे लिपट गया। नृसिंह के लिपट गया, यहाँ लिपट गया प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने अपनी गोद में जो राक्षस पैरन उसको तो फेंक दिया। प्रहलाद को उठा लिया, उठा के प्रहलाद को चाटने लगे। गुस्सा शांत हो गया। अब प्रहलाद को कहा नृसिंह भगवान ने प्रहलाद कुछ मुझसे मांग ले। आपसे मैं कुछ मांग नहीं सकता, आपसे तो वो मांगू जो आपसे ज्यादा हो। जब आप मुझे मिल गए मैं मांगू क्या, नहीं मांगूंगा। भगवान ने बहुत कहा मांग, ज्यादा जोर दिया प्रहलाद को भगवान ने जोर दिया नहीं मांग, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आप बताओ आपसे बड़ी कोई चीज और है, आप मुझे मिल गए मुझे क्या चाहिए, यानी मांग। प्रहलाद ने कहा कि ये तो गुस्सा दिखा रहे हैं। प्रहलाद भी डर गया, मैंने कहा महाराज से मांगता हूँ। बोला मांग, पर आप मुझे क्या दोगे, तो जो मांगेगा वो दूंगा। बोला महाराज वो सब दे दो,
अरे वसंत जी आते जो मांगेगा ऐसी त्रिलोकी में कोई चीज़ नहीं जो मैं तुझे दे सकता हूँ। मैं ये मांगना चाहता हूँ आपसे, एक ही चीज मांग, भगवान खुश हुए क्या प्रहलाद मांगने लगा, एक ही तो मांगेगा, बोलो मांग। बोला महाराज मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ कि मेरे मन में मांगने की बात कभी आवे ही नहीं। ये मुझे वरदान दो, मांगने की बात कभी ना आवे। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया गोद में, छाती पे लगा लिया अपने, कहने लगे प्रहलाद मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम और कुछ मांग लो मुझसे। महाराज एक और मांग लूंगा, ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने आपके कोई कसूर किया है कि आपने उनको मार डाला, ये नहीं कहा। महाराज अगर आपकी दृष्टि में, अगर आपकी दृष्टि में मेरे पिताजी से कभी कोई गलती हुई हो, आप उसको ध्यान में न ला करके उनको आप परम धाम को भेज देना अपने धाम में, उनके सारे उनका राज भी तो पहले ही गया परम धाम में। प्रहलाद के पिता परम धाम गए, प्रहलाद ने क्या मांगा, ये नहीं कहा मेरे पिता ने कोई गलती करी है, अगर कोई मेरे पिता से कोई गलती हुई है आप उनको ध्यान में मत लाना, उनको परम धाम को भेज देना, क्योंकि वो तो परम धाम को पड़े जाएगा तेरे जैसे जिसके घर का हुआ। और मैंने तुझे जो तू मांगेगा वो सब दूंगा तेरे जैसे मुझे बुझा। वो मांगी बात कर आदमी पिताजी ने अगर कोई गलती करी है तो भाई, अगर कोई पिताजी ने गलती करी है आप ये नहीं कहा पिताजी की कोई गलती हो गई है, अगर गलती हुई तो आप उनको क्षमा कर देना। और दूसरा मांग लिया कि मुझे आप ऐसा वरदान दे दो कि मांगने की बात मेरे मन में ही नहीं आवे कभी। भगवान को भी जिक्र दे दी बड़ा जी, ये खड़ा हुआ कि मैं लालची हूँ, मैंने उसी समय आशीर्वाद दे दिया, भगवान करे तुम इतने लालची हो जाओ कि और कोई लालच तुम्हारे मन में आवे ही नहीं। सबसे बड़ा लालच क्या है, प्रभु की प्राप्ति। और वो इसको तो दे ही दिया, और आप सबसे यही कहूँगा भगवान करे आप भी अपना लालच ऐसा बढ़ा लो कि भगवत प्राप्ति के सिवाय और कोई प्राप्ति के मन में आपके लालच आवे ही नहीं। एक बार जय गुरु बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे मुर्गों की तरह जय बोलते हैं। 80 साल से ऊपर तो मुझे हो गए अन्न छोड़े हुए, आपने तो अभी अन्न छोड़ा तो नहीं है, 4 टाइम खा देते तो कम से कम एक बार जय तो जोर से बोलो, पहले से बोलो बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आपकी जय ठीक निकली, पहले क्या हो गए फिर ऐसी बोलोगे तो पहले जैसी बोलोगे बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सीता माता की जय, सीता धाम की जय। प्रसाद ले लो गुरुदेव से, पढ़ आरती। ओम श्री कृष्ण चंद्र